सर मेरा नाम दानियाल है और मैं यहाँ पे कैशियर हूँ। इसके जो लोकेशन है ये आफ होटल रेलवे स्टेशन पे है, मकलोर रोड पे, और अलहमदिल्ला ये बहुत ही पुराना होटल है, करीब 1995 और 1993 का उस वक्त से तो हम आए हैं, तो उससे पहले ये था 1985-88 में ये बना था। यहाँ सबसे पहले कॉलेज थी, उसके बाद यहाँ पे शोरूम हुए, शोरूम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने पहले एक शॉप खरीदी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें 2-3 रेस्टोरेंट दे दिए, फिर ऐसे ऐसे जैसे शॉप खाली होती रही और हम उन शॉपों को लेते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा सब जितना भी रेस्टोरेंट है और जितने ऊपर 360 रूम है वो सब हमारे इंटर में। सर हमारे पास आलू कीमा होता है और चिकन बिरयानी होती है, चिकन कढ़ाई होती है, मटन कढ़ाई होती है, बारबेक्यू में मलाई बोटी होती है, चिकन बोटी होती है, और चेस्ट सीना वगैरह, चपली कबाब और शवारमा बर्गर वगैरह। बकाया आइटमें 300 कम से कम इस टाइम जो आइटमें अवेलेबल है ना वो 35-36 अवेलेबल हैं जो सिर्फ सालन की हों। इसके अलावा फास्ट फूड, बारबेक्यू और फिश वगैरह वो अलग से है। हमारी आप एक दाल भी खा लेना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आपको लज्जत आएगी। आप वही कहेंगे आप गोश्त को भूल जाएंगे, यार कैसी दाल है। यहाँ पे कौन जितने भी होते हैं ना मुसाफिर लोग पिंडी से, क्वेटा से, इस्लामाबाद से, सबसे पहले यहाँ स्टे करते हैं क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है। ऊपर रूम के लिए सर्विस है हमारी, वहाँ पे स्टे करते हैं, खाना खाते हैं, घर जैसा माहौल है, जैसे खा लिया और पी लिया सो लिया। कस्टमर आते हैं फ्रेश होकर खाना खाते हैं, आके ऊपर सो जाते हैं। सर इसका तो आइडिया नहीं है, कम अज़ कम हमें इतना आइडिया रख भी नहीं सकते कि एक टाइम में इतना रश होता है कि यहाँ पर गुजरना मुश्किल पड़ जाता है। सर इसका मकसद यही होता है कि हम आवाम की खिदमत करें और आवाम को जितनी से जितनी सहूलत दे सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रूम है, इसमें से टीवी नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ जैनमाज़ और कुरान पढ़ा है। डबल बेड, 3 बेड 4 बेड फैमिली के लिए स्टे के लिए भी है। तो इसमें हम जो रमज़ान में होते हैं ना वो सहरी अफ्तारी करवाते हैं, सहरी भी हमारी तरफ से होती है, अफ्तारी भी हमारी तरफ से होती है। अभी मेरे हमारे पास जो मुलाजिम है वो 165-168, जो कि मौसम सरमा की वजह से जो गर्मी होती है तो 300-250 तक जो वो होते हैं उसकी रेंज होती है। वहाँ ऑफिस होटल की सर एक और ब्रांच है वो बंद रोड पे है, नियाजी अड्डे के पास, तो पहली वाली यही है, उसके बाद अभी वो दूसरी है।